वर्ल्ड वॉर 3। बहुत से वीडियोस, बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल चालू ही होने वाला है। कल सुबह 8 बजे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। अरे कई न्यूज चैनल और कई वीडियोस के अनुसार तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो भी चुका है, क्या ऐसा सच है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम, मैं हूं देवम। एंड आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर हर जगह ये जो वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बातें हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजन है, कौन कौन से देश, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है। एंड बिल्कुल ये लेमेंट लैंग्वेज में बात करेंगे, बिल्कुल ये एक कहते हैं ना नुक्कड़ पे चाय पीते हुए जो बात करते हैं, बिल्कुल लेमेंट तरीके से, कोई डीप में नहीं जाएंगे आज, सिर्फ ऊपरी ऊपरी वाला मामला रहेगा कि आपको समझ आ जाए बेसिक कंसेप्ट। देखो जो वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही है उनमें आखिर कौन कौन से देश इन्वॉल्व है, सबसे पहले ये जानते हैं। पहला इसराइल, दूसरा ईरान, तीसरा लेबनन, हमास वगैरह, ये जो चारों दिशाओं में है इसराइल के, ये सब इसको एक ही ग्रुप में रखते हैं, और चौथा है यूएसए अमेरिका, एंड पांचवा एक और रख लो रशिया। ठीक है, ये पांच ग्रुप देश जो मानना है आपको मानो, ये हैं लिस्ट में जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी वजह से इतना बड़ा वॉर हो रहा है या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेनी वीडियोस। अब आते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट कैसे है। बेसिकली ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री बहुत पुरानी है इसराइल की और ईरान वगैरह की। अभी क्या हुआ ऐसा कि वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही है, कुछ समय पहले ईरान ने 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर छोड़ दी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। वहीं से इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वे विल टेक रिवेंज, हम रिवेंज लेंगे और इसका जवाब भी देंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ से मुद्दा स्टार्ट हुआ कि इसराइल के ऊपर ईरान ने 180 प्लस मिसाइल दाग, इसराइल भी जवाब, कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा। अब जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसराइल की तरफ से, इसके पीछे विशिष्ट टिप्पणी करने के लिए क्या आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वो खुद का चुनाव भी देख रहे हैं और यहाँ पर लड़ाई भी देख रहे हैं। जो बाइडन का स्टेटमेंट, जो कि हाल फिलहाल प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनका एक स्टेटमेंट आता है, इसराइल को ईरान के जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं इन पर टारगेट करना चाहिए और इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा पहले ये समझो। हाल फिलहाल हम 70 करीब पर बैरल पर हम इनसे ऑयल खरीदते हैं, 70। अगर ईरान ऑयल रिफाइनरीज डिस्ट्रॉय हुए तो मार्केट रेट, वर्ल्ड के रेट जो ऑयल के हैं वो 110 के ऊपर चले जाएंगे पर बैरल। समझते हैं इसका मतलब, जितना ट्रांसपोर्ट है, हम तो इतना अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। इवन ट्रक्स, रेलवेज, एयरप्लेन्स, सारी चीजें जितने ट्रांसपोर्ट के मीडियम से सब ऑयल पे चल रहे हैं। ऐसे में अगर ऑयल रिफाइनरीज ईरान के डिस्ट्रॉय हुए, जहां से हम ऑयल लेते हैं मोस्टली, वर्ल्ड के जो रेट है वो आसमान छुएंगे, तो ऐसे, और ये तो मैं स्पेकुलेशन अकॉर्डिंग टू मेनी एक्सपर्ट्स का बता रहा हूँ, लेकिन इससे ऊपर भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट मेनी अदर कंट्रीज, विच इज रियली बैड। तो ऐसा आइडिया जो बाइडेन जी ने इसराइल को दिया कि आप तो वो उड़ा दो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ईरान की इनकम जीरो हो जाएगी। ईरान किस चीज पे चल रहा है, अपने ऑयल, जितने भी मतलब कंट्रीज हैं ये अरेबियन कंट्रीज, अपने ऑयल से ही तो चल रहे हैं, तो आप वो ऑयल ही उड़ा दो, सालों साल के लिए इनका पैसा ही खत्म। दूसरी तरफ जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, जो कि अब फिर से प्रेसिडेंट बनने की रेस में है और जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जिनका समर्थन खुलेआम जो वर्ल्ड के नंबर वन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो वर्ल्ड के नंबर वन अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क कर रहे हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये कहना है कि जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के उनको टारगेट करना चाहिए इसराइल को। और इवन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स में कई बार ये भी कहा है कि ईरान को तो मैं इरेडिकेट ही कर दूंगा, ईरान, वी विल टेक ईरान
आउट ऑफ द वर्ल्ड मैप, हम तो ईरान को खत्म कर देंगे, वर्ल्ड में ही नहीं रहने देंगे ईरान को, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी। एंड इवन डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो काफी सारे सैंक्शंस लगाए थे उन्होंने ईरान पर, और जो जब जो बाइडेन आए तो सैंक्शंस काफी सारे हट गए उनमें से। दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट ईरान इसराइल की लड़ाई में यूएस आया। एक तरफ यूएस है तो कोल्ड वॉर के समय से ही यूएस के अपोजिट हमेशा एक देश चला है, वो है रशिया। रशिया ईरान का सपोर्ट में उतरा है, जो कि पहले से सपोर्ट कर रहा था। एंड जो न्यूक्लियर पावर ईरान अगर बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रशिया के हेल्प से बन सकता है। एंड मैं आपको बता दूं, हाल ही में 5 अक्टूबर के दिन ये न्यूज आई कि ईरान में एक अर्थक्वेक आया है। अब आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, अर्थक्वेक तो आ ही सकता है, लेकिन अर्थक्वेक आने के पीछे कोई ठोस रीजन होता है, ऐसे ही नहीं आता है। हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं, अगर वो ऊपर नीचे होती हैं या फिर कोई वॉल्केनिक एरप्शन होता है या ऐसी कुछ चीजें होती है तभी अर्थक्वेक आता है। ऐसे ही अर्थक्वेक नहीं आ जाता है कि आप घर में बैठे और धूझने लग जाए, ऐसे नहीं आता है। लेकिन ईरान में तो ना कुछ ऐसी प्लेट की मूवमेंट्स हुई है, ना ही वॉल्केनिक एरप्शन ऐसा कुछ हुआ है। ये अर्थक्वेक कैसे आया? स्ट्रॉन्गली जो हर कोई मान रहा है वो ये है कि सीक्रेटली ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। इसका मतलब है कि ईरान सीक्रेटली हाल फिलहाल हो सकता है कि एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट हाल फिलहाल अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो ईरान ने नहीं दिया, बट ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये जरूर एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज जो इंडिया का लॉस, मैंने आपको बताया कि अगर इसराइल ऐसा कर दे, एंड जिसके चांसेस हैं कि शायद ऐसा इसराइल कर सकता है, लेकिन ईरान की साइड से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं AK-47 गन लेके स्टेज पे खड़े हो गए एंड वहां से भाषण दे रहे। क्या ऐसे सुप्रीम लीडर जो होते हैं किसी कम्युनिटी के या फिर किसी देश के, उनको शोभा देता है इस तरीके का गन लेके खड़ा होना? एंड you are a leader, people follow you, and does this important, what are your thoughts? मुझे comment section बताओ, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, I'm neutral, I'm just asking your thoughts, what are your thoughts, is this a good thing or a bad thing? Let me know in the comment section, what are your thoughts on this thing? तो जितनी भी मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 इनकी वजह से हो सकता है, उनके बारे में भी बता दिया। अब ये न्यूज चैनल्स ने तो वर्ल्ड वॉर 3 कब की शुरू भी कर दी है, लेकिन अब आते हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा। देखिए, मान लीजिए आप हैं, आपके पड़ोस दोनों घरों में लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से, आप बीच में हैं, एक लिमिट तक तो आप बोलेंगे लड़ रहे, लेकिन जब आप पर मुसीबत आएगी तो आप कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई ठंडी हो, ये लड़ाई ना हो, क्योंकि नुकसान आपका होगा। जब तक इन दोनों देश में एक दूसरे का नुकसान करें तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां बात आएगी वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस समय में सारी कंट्रीज एकजुट होकर ये वॉर ठंडा करवा देंगे। रशिया यूक्रेन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसराइल ईरान लेबनन अभी हाल फिलहाल तक तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे पड़ सकता है, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो कंट्रीज है वो ये वॉर्स को रोक देंगी। वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सभी के लिए एक नुकसानदेह चीज होगी एंड कहीं ना कहीं रुकवा दी जाएगी। सो डोंट वरी, चिलैक्स, आराम से बैठिए घर पे, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है। आई एम गिविंग यू द स्टेटमेंट राइट हियर राइट नाउ। सो ये जितनी भी न्यूज है इनको ज्यादा दिमाग लगाइए भाई, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए तो हुए क्यों थे? हिस्ट्री में पढ़ा है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो सही जरा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए क्यों थे, और क्या इन दोनों का कोई आपस में लेना देना भी था? ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एज ऑलवेज कीप फॉलोइंग एग्जैक्ट टाइम्स, आई विल सी इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर एग्जामिनेशंस।